जेके खबरनौ के तमाम देखने वालों को रूपरथर का सलाम पहुंचे। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की अहम खबरों पर। जनूबी जिला शुपया में बुध को जंगजोर सिक्योरिटी फोर्सेज के माबेन एक तसादम शुरू हुआ। तफसीलात के मुताबिक फौज सीआरपीएफ और पुलिस ने मुश्तरका तौर मौलू छतरा गांव को मुहासरे में लेकर ऑपरेशन शुरू किया। जंगजू की मुसद्दी का इतला मिलने के बाद इलाके को मुहासरे में लिया गया, जिस दौरान फौज और जंगजू का आमना सामना हुआ और दोनों अतराफ से गोलियों का तबादला शुरू हुआ। तसादुम आराई के दौरान एक जंगजू जांबैक हुआ, जिसकी शिनाख्त अभी नहीं हो सकी। आखिरी इतला मिलने तक इलाके में ऑपरेशन जारी था। शुमाली कश्मीर के हंदवारा में बुध के रोज एक नौजवान की नाश पुर असरार हालत में पाई गई। इतलात के मुताबिक नौजवान की शिनाख्त 20 साल आमिर अहमद वालद गुलाम हसन मीर के बतौर हुई है। पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और नाश को कानूनी लवाजमात के बैद लवाकिन के हवाले किया गया। दरियासना पुलिस ने इस वाकये की नोटिस अमल में लाई है। जम्मू कश्मीर से आज भी 708 केस कोरोना से मुस्बत आए। इस तरह जम्मू कश्मीर में कोरोना महामारी से मुस्बत आने वाले अफराद की कुल तादाद 30,034 तक जा पहुंची और इस वायरस ने 572 अफराद की जान ली। एडवोकेट वसीम अहमद शाह ने गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने वाले अफराद के खिलाफ लीगल नोटिस दायर की है। एडवोकेट का कहना है कि हालिया वाकये से मुसलमानों के दिल मजरूह हुए हैं, लिहाजा उन्होंने कानूनी तौर पर मुल्ज़िम को 15 रोज के अंदर अंदर मुसलमानों से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया है। एडवोकेट वसीम है, मैं दूरू शहबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। जब हमने ये देखा कि इन्होंने गुस्ताख रसूल है ये लोग, इन्होंने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बहुत जो है एब्सर्ड स्टेटमेंट दिया है, और उसमें जो है फिर मैं एज ए मुस्लिम एंड एज ए लॉयर मेरी कंशियंस शेक हुई है, और मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं इनको लीगल नोटिस निकालूं और इनको 15 दिन का टाइम दे दूं कि ये पब्लिकली अपोलोजाइज करें, और नहीं तो हम फिर प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करेंगे। इसमें मैं एक प्राइवेट कंप्लेंट भी करूँगा इसमें फाइल। बाकी हम पुलिस का भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इनको अरेस्ट किया है अक्यूज़र्स को, और हम उनका शुक्रगुजार हैं। लेकिन मैंने अपनी तरफ से लीगल नोट्स इनको सेंड की है। खबरों को मजीद आगे बढ़ाने से पहले यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर सा तजारती वक्फा, जल्द लौटेंगे। जिया बेकरी एंड स्वीट्स, हमारे यहाँ ताजी और लजीज बेकरी व मिठाई हर वक्त दस्तियाब है। इसके अलावा डिस्पोजल क्रॉकरी मुनासिब कीमतों पर दस्तियाब है। तशरीफ लाएं जिया बेकरी एंड स्वीट्स, नजदीक जम्मू कश्मीर बैंक, हकुरा, अनंतनाग। फोन नंबर 9797973427006430401। जानिसार न्यूज एजेंसी नजदीक आमिर पेन स्टोर, डीसी ऑफिस लाल चौक अनंतनाग, जहां पर हर किस्म के जॉब फार्म्स हर वक्त दस्तियाब है। इसके अलावा अखबारात में इश्तिहार देने के लिए भी आप हमारे साथ इन नंबरात पर राबता कर सकते हैं। 9797094982, 7780878931। अल हलीमा लेडीज एंड किड्स वियर, मेन चौक आरोधरना अनंतनाग कश्मीर। हमारे यहाँ लेडीज सूटों के अलावा बच्चों के लिए आला किस्म का रेडीमेड मुनासिब कीमतों पर दस्तियाब है। इसके अलावा कॉस्मेटिक्स व दीगर आला सामान हर वक्त दस्तियाब है। तशरीफ लाइए अल हलीमा लेडीज एंड किड्स वियर, मेन चौक आरोधरना कश्मीर। फोन नंबर 9622668813, 9596450709। एम ए कलेक्शंस, हमारे यहाँ बच्चों, मर्दों, औरतों के लिए हर वक्त उम्दा किस्म का रेडीमेड दस्तियाब है। इसके साथ साथ शादी ब्याह के लिए कॉस्मेटिक्स व दीगर आला सामान मुनासिब कीमतों पर दस्तियाब है। तो देर किस बात की, आज ही तशरीफ लाइए एम ए कलेक्शंस, मुत्सिल बिस्मिल्ला रेस्टोरेंट, हिलर, कुकरनाग। आप हमारे नंबरात पर भी राबता कर सकते हैं। 7889454843, 8494091935।
वक्फे के बाद आप सभी का खैर मकदम है, पेश है बाकी खबरें। एक तरफ जहां सरकार और जिला इंतजामिया कोविड 19 के बढ़ते खतरात के मद्देनजर लोगों को हर बार दिए गए SOPs पर अमल करने की तलकीन करती है, वहीं पर आज डूरू में महकमे PDD की जानिब से सब डिवीजन डूरू में एक अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक्कद हुआ, जिसमें महकमे से जुड़े अफसरान और दीगर मुलाजमीन समाजी दूरी की धज्जियां उड़ाते नजर आए। मुलाजमों ने ना तो मास्कें पहनी थी और ना ही समाजी दूरी का कोई ख्याल रखा था। भारतीय जनता पार्टी के रियासी जनरल सेक्रेटरी चौधरी रोशन हुसैन ने सरकार से MG नरेगा अमले को बाकायदा बनाने का मुतालबा किया। लीडर ने कहा कि महकमे में काम करने वाले अफराद इंतहाई काबिल और दयानतदार है, लिहाजा उनके काबिलियत पर उन्हें बाकायदा बनाया जाए। मैं चौधरी रोशन, स्टेट जनरल सेक्रेटरी ST, सरकार से, मरकजी सरकार से, रियासत के जो हमारे गवर्नर साहब है उनसे और जो रियासती इंतजामिया उनसे एक मोतबाना अपील करता हूं कि रूरल डेवलपमेंट के तहत जो MG नरेगा स्कीम चल रही है उसमें जो काम कर रहे हैं हमारे पढ़े लिखे होनहार काबिल नौजवान, जो GRS से, जो टेक्निकल स्टैंडर्स हैं या बाकी स्टाफ है, उन लोगों की जॉब पॉलिसी लाई जाए, उन लोगों को रूरल डेवलपमेंट के साथ मुंसलिक किया जाए, उसमें जम किया जाए, क्योंकि वो बड़ी ईमानदारी से अपने काम को अंजाम देते हैं। वो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, होनहार हैं, बहुत काबिल हैं, लेकिन वो सफर कर रहे हैं क्योंकि उनको कॉन्ट्रैक्ट पे लगाया गया है। वो सफर कर रहे हैं, वो जहनी तौर सफर कर रहे हैं, क्योंकि वो माली तौर भी सफर कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए आज तक कोई जॉब पॉलिसी नहीं बनी है। लिहाजा मैं मोदबाना अपील करता हूं अपनी सरकार से, अपनी गवर्नर इंतजामिया से, रूरल डेवलपमेंट कमिश्नर सेक्रेटरी से कि उनको जॉब पॉलिसी में लाया जाए, उनको रूरल डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट में जम किया जाए। ये मेरी मोदबाना गुजारिश है ताकि वो लोग भी खुशी खुशी से अपने काम को और ईमानदारी से अंजाम दे। श्रीनगर के ब्रेन निषाद इलाके में बिजली महकमे का एक मुलाजिम बुध के रोज बिजली करंट लगने से जहाँ बैक हुआ। मुलाजमिन तारों की मरम्मत कर रहा था, इस दौरान उसे बिजली का झटका लगा और वो बिजली खंभे से नीचे गिरा। मुलाजिम की शिनाख्त ब्रेन निषाद के गुलाम नबी डार के बतौर हुई है। इसके साथ ही दीजिए अपने मेजबान को कल तक के लिए इजाजत। आप जहां भी रहे खुश रहे, सलामत रहे और हमारी YouTube चैनल JK खबर नोट करना ना भूलिए और हमारे Facebook पेज को लाइक करना ना भूलिए।